आज मैं कुंदन कुमार आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू हैंडल द पीपल हु हर्ट यू, अर्थात कि आप उस प्रकार के व्यक्तियों से कैसे निपटे जो आपको कभी हर्ट पहुँचाने की कोशिश करा है, अर्थात कि आपको चोट पहुँचाने की कोशिश करा है, उस प्रकार के लोग को कैसे हैंडल करें, इस प्रकार की बातें आज मैं आपको बताने चाहूँगा। आपको ये से पहले समझे कि अनुभव ही बहुत बड़ा एक टीचर के समान होता है, अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं। इसलिए अनुभव बड़ी ही अजीब, बड़ी ही एक इंसान का स्पेशल बिहेवियर होता है इंसान के लाइफ में जिंदा रहने के लिए। कहा भी जाता है कि अनुभव ही आपको गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन याद रखना कि अनुभव भी आपको तभी आएगा जब आपको गलत आप कभी लाइफ में करते हैं, अर्थात कि गलत अनुभव ही आपको जीना भी सिखाता है। इस प्रकार कि गलती अगर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी अपने आप को स्थिर रहने की कोशिश करना, कभी अपने आप को डगमगाना नहीं। अगर डगमगाओगे, इंसान का तो नेचर है कि अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा हुआ उस समय भी पैर पकड़ कर खींचना, और जब थोड़ा सा भी अगर नीचे गिर जाओगे तो उस समय आपके ऊपर ढेर सारी अपमानजनक वर्ड्स का इस्तेमाल कर देना आपके ऊपर। हाँ, तुम्हें तो पता है ना यार कि क्या जरूरत है दूसरे की बातों को लेकर चलना। जो व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा अगर हर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है या करते हैं तो उसे इग्नोर करना सीखो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि अच्छे अनुभव बहुत दिनों तक के लिए टिकाऊ नहीं होता, और बुरा अनुभव भी आपको जीना सिखाता है। इसलिए कभी कभी लाइफ में बुरा भी अनुभव आए तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान हो जाती है कि आपके लिए कौन व्यक्ति बुरा है कौन व्यक्ति अच्छा है, और आप उसको अच्छे तरीके से अगर आप फील करते हैं, उसे अच्छे तरीकों से परखने की कोशिश करते हैं, आप जीवन जीना आसानी से सीख जाते हैं। और लोग उस समय आपको बहुत बड़ा भुला सब कुछ कहेंगे, बहुत बुरा भला आपको सब कुछ कहेंगे, लेकिन उस समय अपने दिमाग को खोल के रखना, आंखें भी खोल के रखना, कान को भी सुनने की कैपेसिटी केवल बढ़ाना, बोलने की कैपेसिटी कभी नहीं लाना। उस समय अगर बोलोगे ना तो उसमें सारी कहानी तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आप जितना कम से कम बोलेंगे उतनी ही आपकी इज्जत मान मर्यादा आपकी बनी की बनी रह जाएगी, और ऐसे करने से आप जो व्यक्ति जो आपको हर्ट पहुँचाते हैं उन्हें भी बड़ा अजीब लगेगा, ओ माय गॉड मैं तो उसे इतना करता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं उसे खुशी में क्या मिल गया है, वो कभी थोड़ा भी नर्वस नहीं होता। इसलिए उस प्रकार के व्यक्तियों से कभी टूटे नहीं, कभी अपने आप को तोड़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आप किसी फैमिली की चिराग है ना, आप किसी फैमिली की चिराग हैं। हो सकता है कि सामने वाले लोगों के बारे में आपको कुछ पता है कि यार कभी क्या उसको कभी कमा के खिला सकते हैं, क्या कभी आपको वो आपके जीवन के बारे में कभी सोच सकते हैं, कभी क्या आपके फ्यूचर के बारे में कभी क्या कुछ सोच सकते हैं। बस उनका काम है कि बस केवल धारा प्रवाह अपमानजनक वर्ड्स का इस्तेमाल कर देना, लेकिन काश जब कभी सोच के देखना कि काश वो तुम्हारे जगह पे होते तो वो क्या करते। कभी चीजों को सोचे हो, कभी चीजों को समझने की कोशिश करे हो। इसलिए तुम्हारा जीवन खुद का जीवन है, कभी दूसरे व्यक्ति जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें अगर हर्ट करने की कोशिश करे उस समय अपने आप को संभाल के रखना, बिल्कुल किस भांति तुम्हें पता है ना, बिल्कुल एक स्टैंड के भांति, बिल्कुल स्टैंड बन जाना, बिल्कुल स्टैंड, थोड़ा भी हिलना नहीं है। क्योंकि तुम जब अगर नहीं हिलोगे ना, जब तुम अब अगर अपनी लाइफ को बिल्कुल स्टैंड बना के रखोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही स्टैंड बन जाएगा, बिल्कुल सीधा चलते चले जाओगे। इसलिए कभी भी जब कोई व्यक्ति अगर आपको हर्ट पहुंचाने की कोशिश करे, कभी भी अपने आप को हिलना नहीं, डायरेक्ट अपने पाथ पे चलते चलना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए आगे चल के स्पेशल पहचान बन जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। Thanks a lot.